स्क्रीन दिख रही सबको? देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई बेसिकली वाई रिडक्स, रिडक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिडक्स क्या होती है। रिडक्स क्यों पढ़ रहे हैं कौन बताएगा भाई? क्यों पढ़ना है रिडक्स? नहीं बोलना पैसे दिए इसलिए पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं रिडक्स? बता चुका हूँ मैं, ये जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ ले तो उस टाइम मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में भी थोड़ा बहुत, तो वो तो यूज स्टेट से भी कर सकते हो, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी कर सकते हो। देखें एक तो आप लोग में भूल बहुत जल्दी आती है चीज़ें, हमारे पास रिएक्ट के अंदर दो तरह की स्टेट्स होती हैं, डिस्कस किया था हमने, ये कौन कौन सी? एक होती है प्राइवेट स्टेट्स और एक होती है ग्लोबल स्टेट्स। एक बार लिखो इस चीज़ को, आप लोग समझते हो हम बहुत आलिम फाजिल हैं, दिमाग में बस स्टोर कर लेंगे रह जाएगा, इसको लिखो अपने पास। अगर लिखने का मसला हो रहा है तो लाइट खोल लो, अगर नहीं दिख रहा तो। हमारे पास दो तरह की स्टेट होती हैं रिएक्ट में, एक होती है प्राइवेट स्टेट्स और एक होती है ग्लोबल स्टेट्स। प्राइवेट स्टेट्स वो स्टेट होती हैं जो हम नॉर्मली यूज स्टेट से बना रहे होते हैं, जिनका स्कोप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर तक ही रहता है, ठीक है? अंटिल अगर आप प्रॉप बिल्डिंग वगैरह तो उसको बाहर लेके नहीं जा रहे हो, लेकिन उसका स्कोप उसके कंपोनेंट के अंदर तक ही रहता है जहाँ वो बनी है। उसका नुकसान ये है कि भाई जहाँ बनी है वहीं यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो भाई हमने बोला कि अगर मुझे मल्टीपल जगहों पर यूज़ करना है या मल्टीपल नेस्टिंग के लेवल्स में मेरा कॉम्पोनेंट है मुझे वहाँ यूज़ करना है, लेट से पेरेंट टू चाइल्ड में, चाइल्ड टू पेरेंट में लेके जाना है, इस तरीके से अगर मुझे रोटेट करना है अपनी स्टेट को, तो मैं नहीं कर सकता था प्राइवेट स्टेट से। तो फिर हम लोगों ने कहा भाई अच्छा स्टेट को ग्लोबल करना है। अब स्टेट ग्लोबल करने के लिए हमारे पास होता है रिएक्ट का अपना एक बिल्ट इन फीचर, इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कि आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशन से बिल्कुल सेपरेट एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लो, हम वहाँ पे जाके अपने स्टेट्स को रखते थे जो हमें ग्लोबल करनी, वो सारी स्टेट नहीं हो सकती, ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं वो, जो हमें ग्लोबली यूज़ करना है। देन फिर जिस कॉम्पोनेंट को वो स्टेट चाहिए वहाँ से वो हम उठा के लेके आ जाता है। याद है कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ के आ चुके हैं भाई? याद है, यही कॉन्सेप्ट था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने क्यों यूज़ की थी? कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने इसलिए यूज़ की थी ताकि भाई हम स्टेट को ग्लोबली यूज़ कर सकें, स्टेट ग्लोबल कर दें अपनी। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेस्ट है हर चीज़ के लिए, नो डाउट परफेक्ट है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं आपको मैं दिखाता हूँ। अभी रिसेंट हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक अभी सिर्फ मैंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट में कितनी फंक्शनैलिटी है, कितने फीचर्स हैं, कितनी सर्विसेज हैं, एक ही एक तरीके से सर्विस है जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग की है बस, जो प्रोडक्ट लेके आ रही है, ठीक है? सर्विस मीन्स API कॉल्स, यानी कितने आपके मॉड्यूल्स हैं प्रोडक्ट के अंदर। तभी तो एक ही हमने यूज़ किया जो प्रोडक्ट की API से फेच करके आ रहा है, बाकी तो हमने सारा काम लोकली किया, तो उसका सिर्फ ये एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? जब अगर कोई मेरी एप्लीकेशन जैसे जैसे ग्रो करेगी ना, बड़ी एप्लीकेशन होगी तो उसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल भी होगा पूरा प्रॉपर, जो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन देख रहा होगा, कुछ लेट से पेमेंट कोई ई कॉमर्स बना रहा तो उसके अंदर पेमेंट के भी होंगे मॉड्यूल्स को, जिसमें पेमेंट वगैरह के मामला होंगे, कुछ शिपिंग के भी होंगे मामला उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट जब आपकी प्रोजेक्ट ग्रो करता है, बड़ा आपका स्केल, आपका प्रोजेक्ट स्केल होता है, बड़ा होता है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एक मैं आपको इमेज दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाए वो, ये देखें, ये इमेज देख रहे हैं आप,
इतने प्रोवाइडर्स का पहाड़ बन गया पूरा। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हेल। हेल मतलब पूरी सीढ़ियाँ बन गई इसको। तो ये भी मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा है, बड़ा जब प्रोजेक्ट होता है तो ये और ग्रो कर जाता है। तो जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ता है ना, आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। अब इसमें भी ये आपको लग रहा है ये इसको भी मैनेज करना अजाब होगा, कोई आसान काम नहीं होगा इसको मैनेज करना, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होगा इसका। अब देखिए बस, और इसमें एक और इशू क्या आता है, अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये फाइनली योर ऐप रखा हुआ है, इसके ऊपर एक रैपर लगा हुआ है आई हेट रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट हेल्प प्रोवाइडर, सही है। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरी ऐप के अंदर मैं इस कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट हेल्प प्रोवाइडर के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई हैं। क्या बेहतरीन लिखा है बंदे ने, फ्रस्ट्रेशन ट्रू, सही बनाया भाई इसने। अब देखिए बताने का मकसद क्या है, ज़रा समझिएगा गौर से। ये मेरी ऐप है, अब इस ऐप के अंदर इसमें जो कुछ पढ़ा है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई, समझ में आ रही चीज़। लेकिन अब अगर ये बाहर लगा आर यू किडिंग मी प्रोवाइडर, ये कॉम्पोनेंट है, अब इसके अंदर मैं इस सब की चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा ही है। मतलब ये जो मेरा आर यू किडिंग वाला कॉम्पोनेंट है, इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ये तमाम कॉम्पोनेंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है आपस में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी और इसकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो ये इश्यूज़ भी यहाँ बहुत आते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेस्ट है अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है, मतलब कुछ छोटी आपके पास 15-20 कॉम्पोनेंट्स हैं, इससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट नहीं है, और मतलब छोटी स्केल की आपकी एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी एप्लीकेशन है या आपका जो है वो प्लान है अपनी एप्लीकेशन को ग्रो करने का, बाद में स्केल करने का, क्योंकि हर किसी का होता है, ठीक है, तो आप फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे नहीं जाते, आप कोई और तरीका देखते हैं जिससे मैं अपनी स्टेट को ग्लोबल। भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जनरल सवाल है, क्यों यूज़ कर रहा हूँ स्टेट ग्लोबल करने के लिए, इसका बस यही आंसर है, कोई आंसर नहीं है इसका, और कोई इसका आंसर नहीं है, एक ही आंसर है भाई, अपनी स्टेट को मुझे ग्लोबल करना है बस, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो मुझे फिर कोई और रीज़न ढूंढना पड़ता है। तो अब कोई और रीज़न क्या है भाई, या तो आप अगर बिल्ट इन तरीका जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप किसी थर्ड पार्टी सॉल्यूशन पे चले जाओ, आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ये हम स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं इसको, ये स्टेट जो मैं घुमाता फिराता हूँ ना, रोटेट करता हूँ पूरी एप्लीकेशन में, इसको प्रोसेस को कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। तो भाई आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लो स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब स्टेट मैनेजमेंट की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो ना बेशुमार है, सिर्फ रिडक्स नहीं है, मैं आपको बताता हूँ रिडक्स क्यों इतनी पॉपुलर है भाई, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पहले लाइब्रेरीज कितनी सारी हैं, और ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होती, यूज़ होती हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज। स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज फॉर जावास्क्रिप्ट, बताता हूँ रिडक्स पर भी मैं आया ही नहीं हूँ, रिडक्स पर तो मैं भी आया नहीं हूँ, हमारी बात हो रही है स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, रिडक्स पर जब आएंगे जब रिडक्स की बात करेंगे, अभी रिडक्स पर तो मैं आया ही नहीं हूँ ना, रिडक्स मुझे पता ही नहीं क्या होती है अभी, अभी तो मैं ग्लोबल स्टेट पर घूम रहा हूँ बस, अभी रिडक्स का मैं नाम ही नहीं सुना। अब ये देखें हमारी बात कहाँ पे थी कि भाई हम बिल्ट इन तरीका यूज़ नहीं कर रहे स्टेट को ग्लोबल करने का, अब हम कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, बिल्ट इन नहीं हम मैनेज करना चाह रहे हैं, हम कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी सॉल्यूशन का मतलब कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लो आप भाई ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के, जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करूँ तो क्या मैं वही सारे काम जो बूटस्ट्रैप कर रही है मैं अपने पास बिल्ट इन सीएसएस से नहीं कर सकता, भाई कर सकते हैं सारे काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, थर्ड पार्टी यूज़ करने का फ़ायदा है कि आपको कोड थोड़ा कम लिखना पड़ रहा है, सारे मेजॉरिटी काम वहीं से हो रहे हैं आपके, तो ये थर्ड पार्टी सोल्यूशन का ये फ़ायदा होता है, लेकिन कोई कुछ लिमिटेशंस भी वैसी होती हैं। तो ऐसे ही अब मैं थर्ड पार्टी सोल्यूशन के ऊपर जा रहा हूँ, तो थर्ड पार्टी सोल्यूशन, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है ना ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत ये सारी हैं, मोवेक्स है, रिकॉयल है, अकीता, कॉन्स्टेंट, रीमैच, व्यू एक्स, रिडक्स, हुक स्टेट, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट, एलिफ, स्टोरन, जोस्टेंट, टूल किट, नैनो स्टोर्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर आप, मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी हैं, मोवेक्स से ये रिएक्ट नेटिव में यूज़ होती है, मोवेक्स, रिकॉयल यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, व्यू एक्स ये व्यू जेएस की एप्लीकेशन में लगाते हैं, रिडक्स तो पता ही है, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट ये वही है, मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इन्होंने यहाँ लिस्ट कर दिया, ये कोई अलग से वो नहीं है, ये पता नहीं कौन सी, जो स्टैंड नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है,
और टूल किट इसी का ही पार्ट है रिडक्स का ही, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज और जो कि यूज़ भी होती हैं। अब सवाल ये कि भाई अब रिडक्स ही क्यों इतना चूज़ किया लोगों ने रिएक्ट के साथ, आपने सुना होगा भाई रिएक्ट के साथ रिडक्स, रिएक्ट के साथ रिडक्स, तो भाई रिडक्स ही क्यों, आपने कुछ और क्यों नहीं सुना, मोबेक्स क्यों नहीं सुना, जस्टैंड क्यों नहीं सुना आपने, हालांकि ये भी यूज़ होती हैं, ठीक है रिडक्स ही क्यों। अच्छा अभी हम रिडक्स पर है, अभी रिडक्स टूल किट अलग चीज़ है, टूल किट एक डिफरेंट चीज़ है, हम रिडक्स के ऊपर हैं अभी, ठीक है भाई। रिडक्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले रिडक्स बेसिकली क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स किसे कहते हैं, वेरी गुड, इसको आप बगैर पे करे आप जो यूज़ कर सकते हो, इसका कोड ओपन पड़ा हुआ होता है, आप उसमें कोई कंट्रीब्यूट भी करना चाहो आप कर सकते हो उसके अंदर। जैसे कि आपके पास विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, आप पे करते हो माइक्रोसॉफ्ट को उसके लिए, लिनक्स ओपन सोर्स है आपके पास, ठीक है कम्युनिटी, लिनक्स आपको पता है लिनक्स का कोई वो नहीं है, फाउंडर नहीं है, लिनक्स को कम्युनिटी चला रही है, किसी ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, उस तरह लिनक्स चल रही है, लिनक्स का कोई फाउंडर नहीं है, कम्युनिटी चला रही है उसको, ठीक है जी। अब सवाल है भाई रिडक्स ही क्यों, रिडक्स पे अभी तक मैं आया नहीं हूँ, अभी जो हम रिडक्स तक पहुँच रहे हैं वो रास्ता ट्रैवल कर रहे हैं रिडक्स तक पहुँचने का अभी हम। देखिए रिडक्स ही क्यों का रीज़न ये है, सबसे पहले तो ओपन सोर्स है, तो भाई क्या बाकी सारे ओपन सोर्स नहीं है, बाकी सारे में भी कुछ ना कुछ ओपन सोर्स हैं, मैं आई थिंक मेजॉरिटी ओपन सोर्स ही हैं, लेकिन ये इसका एक मेन रीज़न नहीं है कि ओपन सोर्स है, इसलिए मेन रीज़न क्या है, रिडक्स जो है बेसिकली बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है जावास्क्रिप्ट की ऐप्स के लिए, स्पेशली जावास्क्रिप्ट की ऐप्स के लिए। स्टेट मैनेजमेंट तो मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट का पार्ट थोड़ी स्टेट मैनेजमेंट, ये तो दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर भी होती है, ठीक है, लेकिन रिडक्स स्पेशली जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो बेस ऐप्स हैं ना उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है एक रीज़न तो ये। दूसरा ईजी टू यूज़ है, बहुत कोई मुश्किल सेंटेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स नहीं है इसका, बहुत इजी टू यूज़ है, सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट की तरह का सेंटेक्स है इसका, तो इजी टू यूज़ है, अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल बहुत जल्द, यानी कि एक डेवलपर फ्रेंडली आप कह सकते हो कि एक डेव फ्रेंडली है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर फ्रेंडली एक तरीके से है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है। दूसरा किसी हद तक लाइट वेट भी है, इसके जो पैकेजेस होते हैं ना किसी हद तक लाइट वेट होता है, इसलिए ज़्यादा हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं रिडक्स को, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रिएक्ट के साथ रिडक्स को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लाइब्रेरीज, लेकिन अदर लाइब्रेरीज भी यूज़ होती हैं, ठीक है। जस्टैंड भी होती है रिएक्ट के साथ, और कुछ तो मैंने यूज़ करी हुई है, जो एक जस्टैंड यूज़ करी है मैंने, मोबेक्स थोड़ी बहुत करी हुई है, रिकॉयल इतनी ज़्यादा नहीं करी, और टूल किट तो करी हुई है, तो यानी कि होती हैं, लेकिन रिडक्स बहुत पॉपुलर है इनके अंदर, इन सब चीज़ों में, ख़ासतौर पर जावास्क्रिप्ट की अगर। अच्छा अब एक मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों के दिमाग में होता है, सबके मेरे दिमाग में भी था भाई जब मैं पढ़ रहा था, कि जो रिडक्स है ना वो रिएक्ट का पार्ट है, वो रिएक्ट के साथ टाइटली कपल्ड है, ऐसा नहीं है। रिडक्स और रिएक्ट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों एक मशरक़ है दूसरा मगरब है, ठीक है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। आपने भी शायद ये सुना होगा इस कि भाई रिडक्स और रिएक्ट का ही पार्ट है, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स एक ही साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, रिएक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, रिडक्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। रिएक्ट बेसिकली क्या है, मैं आपसे पूछूँ रिएक्ट तो किस लिए काम में आती है, वेरी गुड भाई, रिएक्ट का इंट्रोडक्शन बिल्कुल एक सिंपल से टर्म में बताऊँगा ये कि भाई रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि काम में आती है यूआई बनाने के लिए, ठीक है, ये रिएक्ट का इंट्रोडक्शन है। अब ज़रा रिडक्स का इंट्रोडक्शन आपको मैं दिखाता हूँ। अब हम आ रहे रिडक्स के अंदर, मैंने कहाँ सर्च किया था, यहाँ सर्च किया था क्या, रिडक्स कहाँ सर्च किया था भाई मैंने, अब ज़रा रिडक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ें। अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रेडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, ये एक लाइन की डेफिनेशन के अंदर पूरी कहानी छुपी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ वर्ड बाय वर्ड करके, ठीक है। सबसे पहले देखें यहाँ कहीं भी यूआई का जिक्र आ रहा है, नहीं आ रहा, सही है, तो इसका मतलब रिएक्ट से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं भाई, क्योंकि रिएक्ट का प्योर यूआई से ताल्लुक है, इसका यूआई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब इसका ताल्लुक क्या है किससे, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है फॉर प्रेडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब ये तीन वर्ड हैं डिफरेंट, प्रेडिक्टेबल, मेंटेनेबल,
ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, ये तीनों वर्ड समझने पहले आपने, उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें से एक वर्ड तो आपको मैं समझा चुका हूँ, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, क्या होती है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट? स्टेट को ग्लोबली मैनेज करना, जहाँ दिल चाहे वहाँ यूज़ कर लो, जिसको देना उसको दे दो, ये होती है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। यानी आपको स्टेट को रोटेट करते हुए कोई मुश्किल ना आए, कोई हडल ना आए, कोई रोड ब्लॉकर ना आए, ठीक है। अच्छा, अब आता है प्रेडिक्टेबल और मेंटेनेबल। मेंटेनेबल का मतलब क्या है कि ये हाल नहीं होता, मेंटेनेबल होता है। आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जितना भी बड़ा हो जाए, जितना ग्रो कर जाए आपकी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर, जितनी बड़ी एप्लीकेशन आप बना दो, कहीं भी कोई बैड प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी, चीज़ें फंस नहीं रही होंगी। यहाँ पे ना चीज़ें फंसना शुरू हो जाएंगी, अभी एक वक्त आएगा यहाँ चीज़ें फंसना स्टार्ट हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएंगे, एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, यहाँ पे चीज़ें फंसेंगी नहीं। जितना ग्रो करना चाहें आप कर सकते हैं। पूरा एक आर्किटेक्चर है रिडक्स का, रिडक्स का अपना एक पूरा आर्किटेक्चर है। रिडक्स पे काम तो बहुत बाद में स्टार्ट करोगे आप, सबसे पहले आप तो आर्किटेक्चर समझने में आपको 2-3 क्लास लग जाएंगे। उसका पूरा अपना एक आर्किटेक्चर है, अपना एक पूरा कह लें उसकी कि आप जो है वो इकोसिस्टम है, पहले उसका पूरा एक वो इकोसिस्टम पहले आपने समझना, ठीक है। तो पूरा आर्किटेक्चर है वो, जितना आप स्केल करें अपनी एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर सब चीज़ें मेंटेनेबल रहती हैं, ठीक है। तो मेंटेनेबल का ये मतलब है कि आप हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपकी एप्लीकेशन कितनी भी ग्रो कर जाए, कितनी बड़ी एप्लीकेशन आपके पास अगर 5 कंपोनेंट्स हैं, जब भी आप रिडक्स को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो, 5,000 कंपोनेंट हैं या 5,00,000 कंपोनेंट्स हैं, आप इजीली मेंटेन कर सकते हो उसको, ठीक है भाई। तो मेंटेनेबल का मतलब ये। अब आता है प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट करना किसे कहते हैं? चले नीचे लिखा हुआ इधर ही आ जाता है। प्रेडिक्टेबल का क्या कह रहे हैं कि रिडक्स हेल्प यू राइट एप्लीकेशन दैट बिहेव कंसिस्टेंटली, रन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्लाइंट सर्वर एंड नेटिव आर इजी टू टेस्ट। मन में आया कुछ? देखिए प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेबल का मतलब ये होता है, लेट से हम उस अगर अपने दिमाग में उस काउंटर जो हमने काउंटर बनाया था उसकी एग्जाम्पल लें। मैंने प्लस पे क्लिक किया, पहले काउंटर 0 था, मैंने प्लस पे किया 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है। रिडक्स में क्या है, उसका पूरा एक पूरा आर्किटेक्चर फ्लो है, उस पूरे फ्लो के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है कि यार मैं मेरी स्टेट कहाँ है। देखिए अभी काउंटर की एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ, तो काउंटर में तो देखें कोई हमें मतलब ऐसा कोई लॉन्ग टास्क है ही नहीं। मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट 0 थी, 1 हो गई, तो मुझे पता है कि भाई 1 हुई है, 0 से 1 हुई है, क्योंकि उसमें इतना कोई लॉन्ग वो नहीं है, क्लिक करने पर स्टेट अपडेट हो रही है सिंपल। रिडक्स में क्या होता है, एक पूरे 5-6 स्टेप्स होते हैं, उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से होते हुए आपको एंड में स्टेट मिलती है आपकी, मतलब एक स्टेट। मैं सबसे पहले आपको रिडक्स के ऊपर ना काउंटर ऐप बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको पहले चीज़ें रिडक्स समझ में आए। मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करवाऊंगा, मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपके लिए मसला हो जाएगा कि एक दो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, फिर रिडक्स की कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं चाह रहा हूँ पहले आप सिर्फ रिडक्स को समझें, बहुत ही एक ईजीएस्ट एग्जाम्पल। अब काउंटर से ज़्यादा मेरे पास ईजी एग्जाम्पल नहीं है भाई, वो सबसे ईजी एग्जाम्पल है सिंपल। प्लस पे क्लिक करते हो काउंटर पर प्लस होता रहे, माइनस पर माइनस होता रहे, और रीसेट पर 0 हो जाए, सबसे ईजी एग्जाम्पल है ना भाई, ये इसमें कोई मुश्किल है एग्जाम्पल में? सबसे ईजी एग्जाम्पल है मेरे नज़दीक से, तो हम पहले वही बनाएंगे। तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल काउंटर जब बनाया था उसमें क्या होता है, सिंपल प्लस के क्लिक पे एक प्लस किया, एक ही स्टेप के अंदर स्टेट अपडेट हुई और आपको मिल गई स्टेट, ऐसे ही होता था। रिडक्स में ऐसा नहीं होता, विजुअल तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि प्लस पे क्लिक करने पे स्टेट 0 से 1 होगी, लेकिन बिहाइंड द सीन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, 4 या 5 स्टेप्स से होते पूरी कहानी घूम के फिर स्टेट अपडेट होगी। तो उन 4 या 5 स्टेप्स के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है ना कि यार मेरी स्टेट अभी अभी इस वक्त करंट स्टेट मेरी क्या चल रही है मेमोरी के अंदर, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं प्रेडिक्टेबल, क्या आप स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकते हो इसके अंदर कि भाई पहले क्या थी, अब आगे क्या होगी, इसलिए इस सेंस में इसको प्रेडिक्टेबल कह रहा है। मुझे पता है अभी इतना ज़्यादा डेप में नहीं आएगा समझ में, जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा ना तब ज़्यादा इजी समझ में आएगा, बस अभी थोड़ा बहुत भी जो आ रहा है उसको ग्रैप कर लो, ठीक है भाई। सेंट्रलाइज है, यानी आपके एप्लीकेशन की एक पूरा एक सेंट्रलाइज आपका स्टोर होता है, उस सेंट्रलाइज स्टोर में सारा सामान होता है, डेटा सारे जो भी आपकी चीज़ें वहाँ होती हैं, वहाँ से फिर आप पूरे जगहों पर जहाँ ट्रैवर्स करना है डेटा को इन आउट कर सकते हो। डीबगेबल है भाई, प्रॉपर आपको इसकी एक एक्सटेंशन होती है, इसका जैसे रिएक्ट की एक्सटेंशन बताई थी आपको मैंने, रिएक्ट डेव टूल्स, ऐसी एक एक्सटेंशन होती है जिसका नाम होता है रिडक्स डेव टूल्स, या पता नहीं रिडक्स डेव टूल्स क्या होता है, मैंने करी भी है रिडक्स, हाँ रिडक्स डेव टूल्स। इसके अंदर पूरी प्रॉपर रिडक्स की कहानी इसके अंदर चल रही होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से विजुअली
आपको बनाया हुआ है, हम इसको भी देखेंगे बाद में। फ्लेक्सिबल है भाई बहुत, जहाँ दिल चाहे वहाँ लगा लो, बहुत हर चीज़ से फ्लेक्सिबल है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट अपनी बात में ही आपको मैंने बता दिया कि ये रिएक्ट से कोई ताल्लुक इसका नहीं है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब ये कहीं भी यूज़ हो सकती है, ये रिएक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर आप व्यू जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे हो वहाँ भी लगा सकते हो इसको, एंगुलर का बना रहे हो वहाँ भी लगा सकते हो। इवन आप कोई ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, आप सिंपल अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर भी आप रिडक्स लगा सकते हो। समझ में आया, इसका रिएक्ट से कोई लिंक नहीं है। आप सिंपल अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ HTML या तो जावास्क्रिप्ट, आप वहाँ भी रिडक्स यूज़ कर सकते हो सिंपल। अब सवाल, जावास्क्रिप्ट मतलब स्टेट होती नहीं है भाई, यूज़ कैसे करें? स्टेट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएबल तो होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय नीड नहीं पड़ती वहाँ पे यूज़ करने, लेकिन करने को कर सकते हो। ठीक है जी, गेट स्टार्टेड। अच्छा एक और चीज़, अब रिडक्स बेसिकली ना, अब ये रिडक्स एक लाइब्रेरी है। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पे ये रिएक्ट रिडक्स भी आ रहा है, अच्छा लिखा हुआ है अदर लाइब्रेरीज फ्रॉम द रिडक्स टीम। रिडक्स की जो टीम है, इनके जो डेवलपर्स की टीम है, उन्होंने ये मल्टीपल लाइब्रेरीज और भी बनाई हैं। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि रिडक्स, रिडक्स टूल किट भी अलग अलग चीज़ है, ये एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, ये एक डिफरेंट लाइब्रेरी है। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, रिडक्स बोल दो, रिडक्स टूल किट बोल दो, एक ही बात है, एक बात नहीं है। रिडक्स एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, रिडक्स टूल किट एक डिफरेंट लाइब्रेरी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये आपस में कनेक्टेड किस तरीके से है। देखिए रिडक्स का काम क्या है, स्टेट मैनेजमेंट। रिएक्ट का काम क्या है, यूआई बनाना। कोई लिंक है आपस में दोनों का? कोई लिंक नहीं है। लेकिन अब मुझे रिएक्ट के अंदर रिडक्स को यूज़ करना है। भाई अगर दोनों का लिंक होता आपस में डायरेक्टली यूज़ हो जाती है ईजीली, कोई मसला नहीं आता, लेकिन अभी कोई लिंक नहीं है तो भाई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते आप। अब रिएक्ट के अंदर रिडक्स को यूज़ करने के लिए मेरे पास एक और लाइब्रेरी आती है जो रिएक्ट की टीम ने बनाई है, कि भाई आप इस लाइब्रेरी के थ्रू, इस लाइब्रेरी को ब्रिज बना के आप रिएक्ट के अंदर रिडक्स को यूज़ कर सकते हो। उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, ये रिएक्ट, ऐसे ही सारे सवाल होते हैं इंटरव्यूज़ में कि भाई ये रिडक्स जवाब है तो रिएक्ट रिडक्स क्यों यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये बेसिकली क्या है, ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग्स फॉर रिडक्स। बेसिकली रिएक्ट के ऊपर समझ लें कि एक पैक, एक रैपर है, समझ रहे हैं? ये रिएक्ट के ऊपर रिडक्स का एक रैपर लगा दिया आपने, एक रैपर है बेसिकली, कि आप अब रिएक्ट के अंदर जो है वो रिडक्स को इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये इस लाइब्रेरी, इस ये लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं जब हमें रिएक्ट के अंदर रिडक्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हम करेंगे जब प्रैक्टिकली चीज़ पर आएंगे ना, मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। अच्छा भाई रिडक्स टूल किट, लेकिन अब रिडक्स जब आई थी ना फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जो लाइब्रेरी आई थी वो थी रिडक्स, या इसको कुछ लोग कहते हैं कोर रिडक्स, रिडक्स भी कहते हैं, कोर रिडक्स भी कहते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट वर्जन आए, मतलब डिफरेंट लाइब्रेरीज आई इसी को यूटिलाइज करते हुए। इसके बाद एक रिडक्स के बाद आई थी रिडक्स थंक, THUNK, थंक, रिडक्स थंक आई थी। वो क्या है, बेसिकली रिडक्स ही थी, उसके ऊपर थोड़ी सी एडवांसमेंट कर दी बस, समझ लें। सही है, जैसे वो आता था ना कोई सॉफ्टवेयर आता है, पहले बीटा होता है, फिर 2.0 आ जाता है उसका, तो वो क्या है, वही चीज़। उसमें एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में 2.0 में क्या फ़र्क होता है, मेजॉरिटी तो सेम ही होता है, कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं बस, ऐसा ही है। रिडक्स थंक जब आई थी तो वो पूरी की पूरी रिडक्स ही थी, पर रिडक्स थंक में क्या हुआ था, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना आपको सर पे तो जाएगा, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और देंगे। बेसिकली एक मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट आया था थंक के अंदर, कि आप एक मिडिल वेयर यूज़ कर सकते हो। मिडिल वेयर क्या होते हैं, बेसिकली रिडक्स की जो फंक्शनैलिटी है ना, रिडक्स की फंक्शनैलिटी क्या है, रिडक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब आप इसके अलावा कुछ उससे और काम करवाना चाह रहे हो, तो उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए मिडिल वेयर का यूज़ करते हैं, जिसमें थंक, रिडक्स थंक आई थी, फिर थंक एक मिडिल वेयर का नाम, तो रिडक्स थंक आई सेकेंड। उसके बाद और एडवांस हुई, फिर आई रिडक्स सागा, SAGA, सागा, रिडक्स सागा आई थी फिर। ठीक है, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो है रिडक्स टूल किट। मैं आपको डायरेक्ट टूल किट पढ़ाऊँगा, रिडक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है तकरीबन, 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम डेवर रिडक्स, थोड़ा सा रिडक्स पढ़ेंगे,
रिडक्स तो मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा कि रिडक्स बेसिकली क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि एटलीस्ट आपके दिमाग में जो एक बेस है ना, जो कोर रिडक्स है वो कोर आपको पता हो। देखिए अब आपने रिएक्ट सीख लिया पूरी, रिएक्ट में और कुछ नहीं, रिएक्ट हम पढ़ चुके हैं सारी, बस अब रिडक्स पढ़नी है। रिएक्ट तो समझ लें तुम्हारा रिएक्ट एंड हो गया। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो टू बी ऑनेस्ट बताइएगा, आप रिएक्ट सीखना आपके लिए कोई मुश्किल है? मैं नहीं समझता मुश्किल होगा। रिएक्ट की अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझेंगे, आपको रिएक्ट समझ में आ जाएगी, ऐसा ही है। थोड़े बहुत उसके हुक्स देख लेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब आपको अगर जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत अच्छी कमांड है तो आई थिंक रिएक्ट आपके लिए 2 से 3 या 4 हफ्तों की मार है बस, ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसी, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम यही है। अगर आपने कोर रिडक्स समझ लिया, रिडक्स की जो कोर है, जो बेस है, वो अगर आपको समझ में आ गई, तो फिर वो चाहे रिडक्स थंग हो, सागा हो, टूलकिट हो, या फ्यूचर में आने वाली कोई और पैकेज हो, आपके लिए उसको पढ़ना या समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन शर्त ये कि आपको बेस बहुत अच्छी बननी हो रिडक्स की, जो बेस है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि पहले आपको मैं स्टार्ट लूँगा बेस से, रिडक्स की बेस आपकी अच्छी करूँगा, देन फिर हम टूलकिट पर जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? अच्छा, जी ऐसा ही होता है, रिएक्ट और रिडक्स दो अलग अलग चीज़ें। इवन आप जब किसी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ोगे ना रिएक्ट डेवलपर की, वहाँ पे रिडक्स अलग से लिखा हुआ होता है। अच्छा, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन से याद आया, एक और चीज़ भी लिखी होगी वहाँ पे, फ्लक्स, FLUX, कभी देखना वहाँ पे फ्लक्स भी लिखा हुआ होगा। मैं आपको एक मिनट दिखाऊँ, रिएक्ट डेवलपर जॉब डिस्क्रिप्शन, ये देखें, योर प्राइमरी फोकस इज डेवलपिंग यूजर इंटरफेस कंपोनेंट इंप्लीमेंटिंग द फॉलोइंग वेल नोन रिएक्ट जेएस वर्कफ्लो सच एज फ्लक्स और रिडक्स, फ्लक्स या रिडक्स। अब ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या है बेसिकली, ये रिडक्स से पहले यूज होता था, बेसिकली एक आर्किटेक्चर है। ये क्या है? आर्किटेक्चर, एक वर्क फ्लो है, किस तरीके से चीज फ्लो बनता है आपकी एप्लीकेशन का। तो उस फ्लक्स के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करते हुए रिडक्स की लाइब्रेरी बनी है। तो मतलब मैं आपको एक जनरल ऐसे ही बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि फ्लक्स क्या है बेसिकली, एक आर्किटेक्चर है जिसको यूज़ करते हुए रिडक्स बनी है, सही है? तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडक्स को, रिडक्स जो कोर रिडक्स है बेसिक, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए रिडक्स के अंदर आपको जो चीज़ें पढ़नी है ना, वो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, 3 या 4 चीज़ें मुश्किल से वो पढ़नी है आपने बस, समझे? रिडक्स हो गया आपकी। अब क्या क्या 3-4 चीज़ें, इसमें लिखने का काम ज़्यादा है भाई। कोई इजी एग्जांपल मुझे दिख जाए यहाँ पे, ये बेसिकली एक एंगुलर की एग्जांपल है, लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो एंगुलर हो या क्या हो, हमें सिर्फ रिडक्स समझनी है। तो वो एंगुलर में इस्तेमाल हो रही हो या व्यू में इस्तेमाल हो रही हो, कहीं भी इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन ये इमेज को मैं उठाऊँ कैसे?
अच्छा जी, ये इसके अंदर टोटल पढ़ने वाली चीज़ें कितनी हैं? क्या भाई क्यों हंस रहे हो? एक देखें, सबसे पहली जो उसमें चीज़ पढ़नी है वो आपने पढ़नी है भाई एक्शन क्या होता है, ठीक है? ये बेसिकली रिडक्स के कोर पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ रिडक्स कह लें इसको आप। सबसे पहले आपका एक्शन, देन आपका रिड्यूसर, ठीक है? सही है, वो उसमें यहाँ कवर हो जाएगा। एक्शन होता है, इसके साथ एक और थ्योरी, इसका नाम होता है एक्शन क्रिएटर्स। लिख लें अपने पास से क्या क्या चीज़ें जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले एक्शन, एक्शन के बाद एक्शन क्रिएटर, लिख लिया। देन आता है रिड्यूसर, लिख लिया। फिर आता है स्टोर, तोड़ो कितनी चीजें हो गई हैं? एक सेकंड रुकिएगा, अच्छा जी, एक्शन, एक्शन क्रिएटर, प्रोड्यूसर और स्टोर, ये चार टोटल समझ लें। अच्छा, एक्शन, एक्शन क्रिएटर तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है? तो बेसिकली टोटल तीन पिलर्स हैं रिडक्स के, एक्शन, प्रोड्यूसर और स्टोर। ये तीन बेसिकली मेन मेन चीज़ें ये आपने समझनी है। देन उसके बाद आप, अच्छा ये पिलर्स पढ़ने के बाद ना, फिर एक तो ये पहले एक फर्स्ट काम ये करना है कि इन तीनों को समझना है कि तीनों पिलर्स हैं क्या। सेकंड फिर वहाँ पर काम ये है कि इनकी कनेक्टिविटी आपस में, ये देख रहे हैं ये कनेक्ट हुए हैं आपस में, तो इनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है, ये सेकंड हमारा स्टेप है, सही है? तो ये दो स्टेप हमें समझने हैं, बस हमें समझ लेंगे फिर रिडक्स समझ में आ गई, सही है? तो ये है भाई।